प्रदेश भर में स्ट्रेचर के अभाव के चलते मरीजों को कभी कंधे तो कभी गोद में उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर का अनोखा इस्तेमाल देखने को मिला, जहां स्ट्रेचर पर मरीजों के बजाय ईंटों को ढोने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब स्ट्रेचर पर ईंटों को ले जाते वक्त कैमरे में कैद कर लिया गया तो वहां मौजूद गार्ड ने रोकने का प्रयास किया। हालांकि इस मामले में जब अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब ये मैं तो नहीं कह सकता, आपने देखा होगा किसी वजह से होगा, लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास 300 बेड हैं और 400 मरीज रहेंगे ट्रामा सेंटर में, तो आधे से ज़्यादा बेड तो सब स्ट्रेचर जो है शाम तक बेड लग जाते हैं, तो उस समय कुछ समय सुविधाएँ होती हैं, लेकिन अभी आप जाके देखिए बाहर आपको स्ट्रेचर की लाइन दिखाई देगी। नहीं नहीं, इसके इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो उसमें देखेंगे या तो किसी भी नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो संज्ञान में आएगा तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन किस लिए ऐसे इंटेड होंगे। बहरहाल, राजधानी के इतने बड़े अस्पताल में स्ट्रेचर पर जिस तरह से ईंटों को ढोने का काम किया जा रहा है, उससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में घिरती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।